तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें आपका टॉपिक है हमारा योजना और परियोजना। योजना के संबंध में जो कोई भी आपके लास्ट 6 महीने की योजना बन सकती है, वो सारी योजना मैं लेके आया हूँ और सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। ऐसे मैंने पूरे टॉपिक को ऐसे यानी कि बनाया है कि आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने को, क्योंकि जो कोई भी स्टेट है यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की कोई भी योजना है तो उसको उसके हिसाब से मैंने पूरा एडजस्ट किया है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बार बार जो आपके स्टेट है उसको आपने पढ़ लिया और आपके पूरा क्लियर हो गया। बार बार आपको दूसरा स्टेट जाने की खोलने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है योजना। ये आपके लास्ट 6 मंथ ये आपके लास्ट लास्ट 6 मंथ के आपके ये करंट अफेयर्स रहने वाली है। तो स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए, तो चलते हैं। जैसा कि सबसे पहला अगर हम बात करें आपके तो पहला क्वेश्चन हमारा, संयम प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? इसमें आपके जो कोई भी कार्यक्रम लॉन्च किया, कोई भी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कोई भी एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया, वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो यानी कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके जो कोई भी अगर आपके एग्जाम होने वाले हैं या तो अप्रैल में या फिर मई में, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आपके किसने लॉन्च किया? ये आपके शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया, संयम प्लस प्लेटफॉर्म। तो आपको इससे ज्यादा अगर ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछेगा, जो कोई भी है संयम प्लस कितना लॉन्च किया है, तो आपके शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो जैसे कि ये तो आपके इसका आपके आंसर हो गया शिक्षा मंत्रालय, और इसमें आपके और भी जैसे कि है, किसने चुनाव आयोग के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो किसने किसने चुनाव आयोग के साथ, यानी कि ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने चुनाव आयोग के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम शुरू किया है? तो वो आपके किया शिक्षा मंत्रालय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये हो सकता है, क्योंकि चुनाव आपके चल रहे हैं तो चुनाव से संबंधित आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल किसने शुरू की? तो किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया, और कहाँ पर? पुडुचेरी में, आपके ये तमिलनाडु की राजधानी पुडुचेरी, वहां पे आपके इस पहल को शुरू किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया? तो वीर गाथा 3 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो वो आपके रक्षा मंत्रालय और आपके शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। देखो शिक्षा मंत्रालय से जो कोई भी आपके योजना में यानी कि जो कोई भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं लास्ट 6 मंथ में, वो मैंने आपको कवर करा दिया है। यानी कि इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी शिक्षा मंत्रालय के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो आपको इसी में से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ डिग्गी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पे? जगन्नाथ डिग्गी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? क्या राजस्थान में, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में? तो इसका राइट आंसर आपके त्रिपुरा। त्रिपुरा में जगन्नाथ डिग्गी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपके एक दो क्वेश्चन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो लास्ट 6 मंथ के मैंने सारे इसमें कवर कर दिए, तो आपको इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल बंतारा किसने लॉन्च की? यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपके अगर पर्यावरण संबंधित किसी एनिमल्स के संबंधित कोई भी अगर आपके कार्यक्रम कोई भी पहल अगर शुरू होती है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इसका राइट आंसर आपके रिलायंस। किसने? रिलायंस, रिलायंस कंपनी, जो आपके मुकेश अंबानी इस कंपनी के मालिक है, तो जिन्होंने इस पहल को शुरू किया है।
आगे है, अदिति योजना किसने शुरू की है, किसने अदिति योजना किसने शुरू की है, तो वो आपके किए रक्षा मंत्रालय, किसने रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, और ये आपके किए राजनाथ सिंह ने, किसने राजनाथ सिंह ने इस पहल को शुरू किया है। नेक्स्ट है इंदिरामा आवास योजना किस राज्य ने शुरू की, किसने शुरू की आपके, तो वो किया आपके तेलंगाना ने, किसने तेलंगाना ने आपकी इस योजना को शुरू किया है, और तेलंगाना से जो कोई भी आपके और भी आपके योजना जो तेलंगाना ने शुरू की है वो भी आपको इसमें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अभय स्तंभ किसने लॉन्च किया है, किसने अभय स्तंभ किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो वो आपके तेलंगाना ने लॉन्च किया है। गरज ज्योति योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो वो आपके किया तेलंगाना ने, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है महालक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की, तो वो किया आपके तेलंगाना ने। राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू की, तो वो भी आपके तेलंगाना ने शुरू की है। और आगे आरोग्य श्री योजना किसने शुरू की, तो वो भी किया आपके तेलंगाना ने। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की, तो वो किया आपके तेलंगाना ने। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किसने शुरू की, तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किसने शुरू की है, तो वो आपके लिए है दिल्ली, किसने, दिल्ली ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है। और दिल्ली में और कौन कौन सी योजना आपके शुरू की गई है वो भी हम देखते हैं। तो एक किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च की गई है, तो नई दिल्ली में आपके लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने शुरू किया, तो वो आपके अंतरराष्ट्रीय सॉरी इसमें आपके किसने, तो जगदीप धनखड़ ने, जो आपके उपराष्ट्रपति अपने भारत के, जिन्होंने नई दिल्ली में इस अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य ने शुरू किया, तो ये भी आपके नई दिल्ली ने शुरू किया है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य ने शुरू की, तो वो आपके किए नई दिल्ली ने। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान विकास योजना नई दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया, सक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो वो आपके किया अश्विनी वैष्णव ने, अश्विनी वैष्णव ने सक्षु पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके आपके जो आपके मंत्री है सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय, जिनके पास रेलवे मंत्रालय भी अधीन है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। भाषा मैट पोर्टल किसने लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, यानी कि यही मंत्रालय जो आपके अश्विनी वैष्णव के पास है, तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया आपके बांग्लादेश में आपके लिए ये कार्यक्रम आपके आयोजन किया गया, जो बांग्लादेश ढाका में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम को शुरू किया गया है। विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना किसने शुरू की, तो विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना किसने शुरू की, तो वो किया आपके झारखंड ने, किसने, झारखंड ने विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ये हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो वो किया आपके झारखंड ने, किसने, ये हेल्प कार्यक्रम झारखंड ने शुरू किया है। नेक्स्ट है अबुआ वीर दिसोम अभियान किस राज्य में शुरू किया गया, तो वो आपके झारखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके दोनों आपके क्वेश्चन अलग अलग है, आपके सिर पर स्टेट सेम है और आपके क्वेश्चन अलग अलग है, यानी कि दोनों सेम ही अलग, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया, तो वो आपके जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में समग्र विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, आतंकियों को भगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो सकता है, ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भगाने के लिए शुरू किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन कामधेनु कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में आपके शुरू किया गया ऑपरेशन कामधेनु।
पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपके जम्मू कश्मीर। भारतीय वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया, ये तो आपके ऊपर हो गया, तो जम्मू कश्मीर में आपके ऑपरेशन सर्वशक्ति को शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना कहां पे शुरू की गई? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना कहां पे शुरू की गई? तो वो की गई आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में आपके इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहां पे शुरू किया? तो चुनाव आयोग ने मिशन 414 हिमाचल प्रदेश में आपके शुरू किया गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव आपके चल रहे हैं, तो आपको चुनाव से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आपको कवर करते हुए चलना है, जो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। गांव चलो अभियान किसने शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने गांव चलो अभियान शुरू किया। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विधवा एंड एकल नारी आवास योजना 2024 किसने शुरू की? मुख्यमंत्री विधवा एंड एकल नारी आवास योजना किसने शुरू की? तो वो की आपके हिमाचल प्रदेश ने। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू किया? माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश ने आपके शुरू शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश ने आपके शुरू किया राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप, तो हिमाचल प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस राज्य ने शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को शुरू किया है। उसकी ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी और आप डेल यानी कि ये भी आपके ये टॉपिक हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आपको यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपको हर टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा सपोर्ट करना। आगे भी मैं आपको 6 मंथ की यानी कि टोटल अगर करंट अफेयर्स के टॉपिक की बात करें तो वो आपके रहने वाले हैं कुल 15-16 टॉपिक है, तो यानी कि 30 दिन में आपके 15 टॉपिक आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे और ऐसे हम हर महीने टॉपिक वाइज वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलते हैं, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे शुरू किया गया? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये आपके राजस्थान में शुरू किया गया और राजस्थान में कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में इस अभियान को शुरू किया गया है। किसने रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना राजस्थान में शुरू की है? तो एनटीपीसी ने इस परियोजना को राजस्थान में शुरू किया, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली परियोजना है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो राजस्थान ने बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो आपके क्या राजस्थान ने, किसने? राजस्थान ने। कृषि सुखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो वो आपके प्रारंभ किया है कृषि और किसान मंत्रालय और आपके ग्रामीण और विकास मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को शुरू किया। तो आपके ऑप्शन सी आपके राइट होगा, ए और बी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। सारथी पहल किसने शुरू की? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सारथी पहल को शुरू किया गया है। तो आपको भी मजा आ रहा होगा क्योंकि इसी टाइप से मैंने सारे क्वेश्चन को एकदम इंक्लूड किया है, इसमें आपको पढ़ने में आपको आसानी होगी और आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ आपके नहीं होगी, यानी कि जो कोई भी स्टेट है जो कोई भी आपके मंत्रालय उसी के दिन आपके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री महतारी वंदना योजना कहाँ पे शुभारंभ की गई? तो ये की गई आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री महतारी वंदना योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम श्री योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो वो भी आपके छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। श्री रामलला दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो आपके छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपके हो गया महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो आपके किए छत्तीसगढ़, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 थीम क्या है? तो ये आपके थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। क्या? ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट, नारी शक्ति से जल शक्ति, आपके जल शक्ति अभियान की आपके थीम रखी गई है। नेक्स्ट, जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान किसने शुरू किया?
आवास और शहरी मंत्रालय, किसने? आवास और शहरी मंत्रालय ने जल के लिए महिला और महिलाओं के लिए जल, इस अभियान को आवास और शहरी मंत्रालय ने शुरू किया है। निगल नालामा योजना किसने शुरू की? तो आपके किए तमिलनाडु ने, किसने? तमिलनाडु ने निगल नालामा योजना को शुरू किया है। उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो आपके किए तमिलनाडु ने, किसने? तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो वो किया आपके तमिलनाडु ने। किस राज्य ने सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया? तो वो आपके किया तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किसने शुरू किया? तो तमिलनाडु ने, ये आपके हो गया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने शुरू किया? तो वो भी आपके तमिलनाडु ने शुरू किया, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। पीएम मोदी ने वंचित वर्गों के क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? यानी कि जो कोई भी वंचित वर्ग है तो उनके लिए क्रेडिट सहायता के लिए कौन सा पोर्टल को शुरू किया गया है? वो आपके पीएम सूरज पोर्टल, इस पोर्टल को शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो वो आपके ई मोबिलिटी योजना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ई मोबिलिटी योजना को शुरू किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान दल के लिए कौन सा एप पोर्टल लॉन्च किया? समझो, ये आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित आपके क्वेश्चन है, तो आपको पूछा जा सकता है। विक्रम केंद्र गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया? तो वो आपके सखी, कौन सा? सखी ऐप को लॉन्च किया गया। फर्स्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो आपके किया इसरो ने, कौन सा? फर्स्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि साइंस प्रौद्योगिकी, इसे भी आपके लगभग क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। लास्ट सिक्स मिनट में विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं जल्दी कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया? त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया? तो वो किया आपके उत्तर प्रदेश ने, किसने? उत्तर प्रदेश ने। मिशन महिला सारथी और शुभारंभ, मिशन महिला सारथी है जिसका शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, स्वच्छ त्योहार अभियान, स्वच्छ और स्वस्थ त्योहार अभियान किसने शुरू किया? तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का विकास हेतु वंदन योजना किसने शुरू की? जो ऐतिहासिक आपके धार्मिक स्थल है उसका विकास हेतु वंदन योजना किसने शुरू की? तो वो आपके उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। हर घर सोलर अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो वो आपके उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। हॉट कुकर मिल योजना किसने शुरू की? तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान किसने शुरू किया? हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान किसने शुरू किया? तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। महिलाओं के लिए सेफ सिटी परियोजना किसने शुरू की? तो वो आपके उत्तर प्रदेश ने शुरू की, महिलाओं के लिए सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की। नेक्स्ट, कृषि उपहार योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो आपके किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो वो आपके लखनऊ में किया गया है। उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ आपके लखनऊ में, आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपके किया गया है। किस राज्य ने आपदाओं की चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? तो राहत वाणी केंद्र आपके लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया? नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया? तो आपके चुनाव आयोग ने, यहाँ पे चुनाव आयोग ने लॉन्च किया नो योर कैंडिडेट ऐप। इनकोर ऐप किसने लॉन्च किया? तो निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया इनकोर ऐप। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सीविजिल ऐप को लॉन्च किया है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को निगरानी के लिए सीविजिल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को एटी से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? भारत सरकार ने अपने
नागरिकों को धरती से निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो वो आपने किया इंदिरावती अभियान, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। भारतीय नौसेना कहां पर ऑपरेशन संकल्प पर शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना कहां पर ऑपरेशन संकल्प शुरू किया? तो वो आपने किया हिंद महासागर में शुरू किया। कहां पे? हिंद महासागर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, हिंद महासागर में इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। फ्लैश पे किसने लॉन्च किया? तो फेडरल बैंक ने फ्लैश पे को लॉन्च किया है। किसने? फेडरल बैंक। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया? तो वो आपके किया गुजरात ने। गुजरात भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ पे शुरू की गई? तो दया, आप इसको शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं कि दया पार परियोजना को कहाँ पे शुरू किया गया? कच्छ गुजरात में इस योजना को शुरू किया गया। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण कौन करेगा? एनएसपीसी गुजरात। एनएसपीसी इस परियोजना का निर्माण करेगा जो आपके गुजरात में करने वाले हैं। तो यानी कि आप इसको, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा अनुभावत भावात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो वो आपके गुजरात में किया गया है। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की योजना किस राज्य में शुरू की गई? कहाँ पे? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो वो आपके उड़ीसा में शुरू की गई है। तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सैजन योजना किस राज्य में शुरू की? तो वो आपके किया उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यमिता किस परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उड़ीसा में किया गया और इसका उद्घाटन आपके धर्मेंद्र प्रधान ने किया गया। तो इम्पोर्टेंट तो आपके उड़ीसा ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसने किया, तो वो आपके धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? वो की आपके उड़ीसा में। लाभ योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो आपके किए उड़ीसा ने। किसने? लाभ योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? जैसे कहीं पे भी अगर आपको शब्द मिले कामाख्या कॉरिडोर, कामाख्या माता मंदिर, तो वो आपके असम से रिलेटेड है। तो आपको असम राज्य आपको चॉइस करना है। तो असम आपके इसका राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान कहाँ पे शुरू किया गया? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, तो वो आपके असम में शुरू किया गया। किस राज्य ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? तो वो आपके किए असम ने। ड्रग्स के खिलाफ दामी अभियान किसने शुरू किया? तो वो आपके किया उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। ड्रग्स के खिलाफ दामी अभियान तो आपके उत्तराखंड ने शुरू किया है। हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया? तो वो आपके उत्तराखंड ने लॉन्च किया। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो आपके उत्तराखंड ने शुरू की है। रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो आपके किया है उत्तराखंड ने। किसने? रोजगार प्रयाग पोर्टल आपके उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया है। जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो आपके उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो आपके की है वयोश्री योजना आपके महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है। और इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन है नमो सत्कारी महासम्मान निधि योजना। नमो सत्कारी महासम्मान निधि योजना आपके महाराष्ट्र ने शुरू की है। प्यारी बेटी योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो आपके महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है। पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ पे लॉन्च की गई? पुणे महाराष्ट्र में। पहली भारत साइबर सुरक्षा पहल पुणे पुणे महाराष्ट्र में शुरू की गई है।
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो वो आपके सिक्किम। कौन सा? पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो वो आपके सिक्किम रहने वाला है। हमारे संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो वो किया आपके सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। किसने? सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। मारो अमरो संकल्प, अमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम कार्यक्रम। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसमें तो आपके क्वेश्चन में तो आपके सिक्किम आ गया, तो ये सब आपको पूछने से रहा। तो आपको पूछेगा कि किसने शुरू किया, तो आपको बताना कि राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद मौर्य ने, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 यूनिट बिजली मुफ्त किस राज्य के तहत, 300 यूनिट बिजली मुफ्त किस योजना के तहत आपको मिलेगी? तो वो है आपके पीएम सूर्य घर योजना। कौन सी? ऑप्शन बी, पीएम सूर्य घर योजना के तहत आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद मोदी कार्यक्रम कहाँ पे मनाया गया? तो ये आपके यूएई में मनाया गया, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आपके इलाहाबाद मोदी कार्यक्रम मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस देश में ग्रीन क्रेडिट पहल शुभारंभ की? तो आपके यूएई में। कहाँ पे? यूएई में। पीएम मोदी ने किस देश ने सॉरी पीएम मोदी ने किस देश में ग्रीन क्रेडिट पहल का प्रारंभ किया? तो आपके यूएई में आपके प्रारंभ किया, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। पीएम मोदी ने कहाँ पर लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया? तो दुबई में लीड आईटी 2.0 को लॉन्च किया पीएम मोदी ने दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ पर ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ किया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। ग्रीन राइजिंग पहल कहाँ पर शुभारंभ किया? तो आपके संयुक्त अरब अमीरात। स्वास्थ्य परियोजना का प्रारंभ किसने किया? तो आपके आईआईटी गुवाहाटी ने प्रारंभ किया है। तो इसमें आपके कोई भी ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन गलत है। इसमें आपके आईआईटी गुवाहाटी ने स्वास्थ्य परियोजना को शुरू किया है। टॉप यू स्टार्टअप पहल कहाँ पे लॉन्च की गई? तो आपके की गई आईआईटी भुवनेश्वर। धर्मेंद्र प्रधान ने इस पहल को शुरू किया है। वन मित्र योजना कहाँ पे शुरू की गई? तो आपके हरियाणा में शुरू की गई है वन मित्र योजना। प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सवेरा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो आपके हरियाणा ने शुरू किया है। आशा किरण योजना किसने शुरू की? तो वो आपके किए कर्नाटक राज्य ने। किसने? आशा किरण योजना आपके कर्नाटक राज्य ने शुरू किए। और युवा निधि योजना किस राज्य ने शुरू की? तो कर्नाटक राज्य ने शुरू किए। और आपके बेरोजगारों के लिए युवा निधि योजना को शुरू किया गया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय योजना शुरू की? तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय योजना आपके कर्नाटक ने शुरू की है। किस राज्य ने गवर्नेंस के स्मार्ट को लॉन्च किया? किस राज्य ने गवर्नेंस के स्मार्ट को लॉन्च किया? तो वो आपका केरल है। किसने? केरल ने गवर्नेंस के स्मार्ट को लॉन्च किया है। 3K स्कूल अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो आपके केरल राज्य ने शुरू किया है। ऑपरेशन अमृत किस राज्य ने शुरू किया? तो ऑपरेशन अमृत आपके केरल ने शुरू किया है, जो आपके एंटीबायोटिक दबाव को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत को शुरू किया गया है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य ने कौन सी परियोजना शुरू की है? मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना को शुरू किया गया है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन अमृत आपके हो गया, तो आपके केरल राज्य ने शुरू किया है। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल जीआईडीएस किसने लॉन्च किया? तो आपके डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लॉन्च किया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो मुख्यालय आपके जिनेवा में है, डब्ल्यूएचओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्स
2030 पहल का प्रारंभ किसने किया? तो WHO ने प्रारंभ किया, जो आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। किशोरियों के लिए एनीमिया को नियंत्रण करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किसने शुरू की? यानी कि जो लड़कियां हैं उनके मिशन, यानी कि एनीमिया को नियंत्रण करने के लिए मिशन उत्कर्ष को पहल किसने शुरू किया है, तो वो आपके क्या है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके दोनों राइट है, यानी कि आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिलकर इस पहल को शुरू किया है। रानी दुर्गावती ने श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ पे शुरू की? तो वो की आपके मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? एमपी में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। SC ST के छात्रों के लिए योग्य श्री पहल किसने शुरू की? SC ST छात्रों के लिए योग्य श्री पहल किसने शुरू की? तो वो की आपके पश्चिम बंगाल ने, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल ने SC ST छात्रों के लिए योग्य श्री पहल को शुरू किया है। स्वच्छ मंदिर अभियान किसने शुरू किया? तो वो किया आपके पीएम मोदी ने, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने, मोदी जी ने स्वच्छ मंदिर अभियान को शुरू किया है। मेरा युवा भारत संगठन का शुभारंभ किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया है। विकसित भारत एडरेट 2046 युवा की आवाज पहल किसने शुरू किया? तो वो किया आपके पीएम मोदी ने, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहाँ से शुरू की? तो थंबल जिला मणिपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा थंबल जिला मणिपुर से शुरू की। सांस अभियान 2023-24 में किसने शुरू किया? तो मणिपुर राज्य ने शुरू किया। सैन्य इतिहास को सुरक्षित करने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया? तो वो किया गया आपके शौर्य संकलन, किसने? शौर्य संकलन, सॉरी, सैन्य अभ्यास को संरक्षित करने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया? तो वो आपके शौर्य संकलन परियोजना, जो आपके सैन्य को इतिहास को सुरक्षित करने के लिए। एक वाहन एक फास्टैग पहल किसने शुरू की? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग को शुरू किया है। सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए ई साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया। बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया गया। कौन? अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया गया बहुभाषी शिक्षा के लिए। सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य ने किया? तो वो किया आपके पंजाब ने, किसने? पंजाब ने आपके सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है। द होप इनिशिएटिव किसने प्रारंभ किया? तो आपने किया पंजाब ने। द होप इनिशिएटिव आपने किसने प्रारंभ किया है? तो आपके पंजाब ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो बिहार को आपके COP28 में जल जीवन हरियाली अभियान को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है, तो आपको बिहार को मिली है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन ये भी रहने वाला है, तो ये तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप जरूर पढ़ना और आप रट लेना कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर जरूर देखने को मिलेगा। मिशन दक्ष किसने लॉन्च किया? तो बिहार ने लॉन्च किया, मिशन दक्ष बिहार ने लॉन्च किया। मिशन इन्वेस्टिगेशन एड्रेस 75 किस राज्य ने शुरू किया? तो आपके बिहार ने शुरू किया मिशन इन्वेस्टिगेशन एड्रेस 75। भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया? तो वो किया आपके पंचायती मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय ने आपके भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र को लॉन्च किया है। AI मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया? जेमिनी लॉन्च किया आपके गूगल ने, किसने? गूगल ने AI मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी विरुद्ध विरुद्ध डिगी कवच प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो गूगल ने शुरू किया है डिगी कवच प्रोग्राम, तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है।
मेरा गांव मेरी धरोहर किसने शुरू किया, तो वो क्या आपके संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। पहली शहरी बाढ़ समन परियोजना को कहाँ शुरू किया जाएगा, तो चेन्नई में शुरू किया जाएगा। कहाँ पे? चेन्नई में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नारी शक्ति बचत खाता किसने शुरू किया, नारी शक्ति बचत खाता किसने शुरू किया, तो बैंक ऑफ इंडिया ने आपके इसको शुरू किया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सतत प्रबंधन के लिए भारत ने कौन सी योजना शुरू की है, तो वो आपके वन प्रमाणन योजना को शुरू किया। सतत प्रबंधन के लिए भारत ने कौन सी योजना शुरू की, तो वन प्रमाणन योजना को शुरू किया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इंटरपोल ने मानव तस्करी के लिए विरुद्ध कौन सा अभियान शुरू किया, तो वो किया आपके ऑपरेशन स्टार मेकर टू। कौन सा? ऑपरेशन स्टार मेकर टू को इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान शुरू किया, तो वो आपने किया है ऑपरेशन स्टार मेकर टू। ग्रीन वाइज 2025 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो आपके आईएमओ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन से आपका ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध है। गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है, गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध आपके भूटान देश से रहने वाला है। इसे भूटान देश से आपके गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध है। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है, तो वो आपके भूटान से है। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध आपके भूटान देश से है। शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान किसने शुरू किया, तो वो आपके शुरू किया केंद्रीय मंत्री विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू। किसने? किरण रिजिजू ने आपके केंद्रीय मंत्री विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने आपके शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान को शुरू किया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑपरेशन प्रॉस्पिटी गार्जियन किसने शुरू किया, तो वो आपके शुरू किया आपके यूएसए अमेरिका ने। कहाँ पे? अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पिटी गार्जियन शुरू किया है। और भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके अमेरिका से, तो वो है आपके ओसिरिस एपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया, तो आपके किया यूएसए नासा शुद्ध ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए। एडब्ल्यू ई मिशन को लॉन्च करेगा, तो नासा लॉन्च करेगा अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है एडब्ल्यू ई मौसम यानी कि एडब्ल्यू जो आपके मौसम मिशन है वो क्या काम करेगा, तो आपको बताना कि अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट प्रयास किसने शुरू किया, तो प्रोजेक्ट प्रयास आपके शुरू किया है वो है आपके विश्व प्रवासन संगठन। कौन? विश्व प्रवासन संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास को शुरू किया है। और कितने क्वेश्चन बचे हैं? क्या 70 क्वेश्चन थे आपके? बिल्कुल 71 क्वेश्चन है। खाद्य सुरक्षा अभियान किस राज्य ने शुरू किया, तो आपके किया मेघालय ने। किसने? खाद्य सुरक्षा अभियान मेघालय राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य ने वोटर स्मार्ट किड अभियान को शुरू किया, वोटर स्मार्ट किड अभियान आपके मेघालय ने शुरू किया है। मेरा भारत अभियान किसने शुरू किया, मेरा भारत अभियान शुरू किया आपके अनुराग सिंह ठाकुर ने, मेरा भारत अभियान को शुरू किया है। ऑपरेशन बाइसन का संबंध किस राज्य से है, तो आपके लद्दाख से। कौन से? लद्दाख से संबंधित है आपके ऑपरेशन बाइसन का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट कुशा का संबंध आपसे डीआरडीओ से रहने वाला, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है, तो आपके भारतीय सेना से है संबंध है प्रोजेक्ट उद्भव का, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन पवन का संबंध आपके रहने वाला श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका से संबंधित है आपके ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन अजय क्या है, हमास और इजराइल के युद्ध में फंसे भारतीय लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया, तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है।
ऑपरेशन अजय क्या है? तो ऑपरेशन अजय हमास और इजराइल के युद्ध में फंसे भारतीय लोगों को बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। सेतु बंधन योजना किस राज्य ने शुरू की है? सेतु बंधन योजना आपके अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है, जो आपके 7 पुल परियोजना का समन्वय अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो ये जो आपके करंट अफेयर्स है वो आपके रहने वाले अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 मंथ का आपके ये करंट अफेयर्स आपके पूरा मैंने आपको कवर कराया जो आपके योजना से संबंधित है। तो ये हो गया। इसरो और विज्ञान भारती जी ने स्पेस ऑन वेल्स कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में आपके किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया? तो आपके किया एती में है। कहाँ पर? एती में। देखो मैं चाहता तो आपको कम क्वेश्चन भी दे सकता था, कम क्वेश्चन देने से आपको नुकसान है, क्योंकि अगर मैं आपको लगभग सिर्फ आपको अगर क्वेश्चन की बात करना तो ये आपके लगभग क्वेश्चन रहने वाले हैं अगर 20 × आपके 6, तो यानी कि 120 के आसपास आपके लिए प्लस, यानी कि 150 के आसपास आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर मैंने इसको जो आपके मैं आप चाहता आपको 30 का 40 क्वेश्चन में भी आपको क्लास लेके करा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सारे क्वेश्चन कराए जिससे आपको एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, आप जो कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो आपको याद हो जाए और आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को कर पाए। तो इसीलिए मैंने आपको सारे जो क्वेश्चन थे 6 मंथ के वो मैंने सारे इसमें पीडीएफ में आपके कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आपके किया एनसीईआरटी। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? इंपोर्टेंट है, तो एनसीईआरटी ने आपके चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अभियान चक्र 2 किसने लॉन्च किया? अभियान चक्र 2 किसने लॉन्च किया? तो सीबीआई ने आपके लॉन्च किया है अभियान चक्र 2। तो सारे इंपोर्टेंट जो आपके योजना से संबंधित, अभियान से संबंधित, परियोजना से संबंधित जो कोई भी क्वेश्चन बन सकता था लास्ट 6 मंथ, जो आपके अक्टूबर 23 से आपके मार्च 2024 तक, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। बाकी आगे नेक्स्ट टॉपिक आप भी अपनी इच्छा से कोई भी बता भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तो शायद मैं आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी के रिलेटेड में आपको टॉपिक ला सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।